फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा की साइन 125 को होंडा की एसपी 125 से। दोनों का ही फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल आप देख पा रहे होंगे, 2023 वाला वेरिएंट्स, और दोनों ही 125 सीसी सेगमेंट की फ्रेंड्स एक बजट ऑफरिंग है। तो अगर आप भी 125 सीसी में एक न्यू बाइक परचेस करने का प्लान बना रहे थे 2023 में, तो आप आज के इस वीडियो को देख ले, आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपके मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करना चाहेंगे दोनों के प्राइसिंग के बारे में। तो एसपी 125 का फ्रेंड्स जो ऑन रोड प्राइस है वो जा रहा है 1,02,000 रुपीज के अप्रॉक्स में, मतलब इसका ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट। अभी फिलहाल में फ्रेंड्स इसका ड्रम ब्रेक का जो स्टॉक्स है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको हमने यहाँ पे डिस्क ब्रेक लगा रखा है। बाकी यहाँ पे डिफरेंस जो है वो बस डिस्क ब्रेक का ही है, डिजाइन और यहाँ पे फीचर्स सभी कुछ सेम आपको मिलता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सामने प्रेजेंट है साइन 125 का ड्रम ब्रेक वाला मॉडल, और इसका जो फ्रेंड्स ऑन रोड प्राइस है वो जा रहा है 96,600 रुपीज के अप्रॉक्स में। तो दोनों में अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस तो लगभग में आपको मिल जाता है 6 से 7 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट है। तो उस हिसाब से आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप फ्रेंड्स साइन 125 में देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप फ्रंट के इसके डिज़ाइन को देख लें, आपको यहाँ पे होंडा की बैजिंग मिल रही है, और यहाँ पे कंपनी जो आपको लाइट्स प्रोवाइड कर रही है वो प्रोवाइड कर रही है, हैलोजन बल्ब में इंडिकेटर्स भी आपको बल्ब में मिलता है, और यहाँ पे आपको क्रोम जो है वो डिज़ाइन देखने को मिलता है। और वहीं अगर आप फ्रेंड्स एसपी 125 में देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एलईडी लाइट्स और इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन का देखने को मिलेगा, और ये फुल्ली एलईडी लाइट्स है। यहाँ पे हाई बीम लो बीम दोनों ही आपको एलईडी में मिलता है, होंडा की बैजिंग है, और यहाँ पे ग्राफिक्स आप देख पा रहे होंगे तो इसका फ्रंट का जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्टी लगता है अगर आप इसके कंपेरिजन में यहाँ पे देखते हैं तो। बाकी अगर हम बात करते हैं दोनों के यहाँ पे फ्रेंड्स फ्रंट के सस्पेंशन के बारे में, तो दोनों में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलता है, और टायर प्रोफाइल भी यहाँ पे सेम है फ्रेंड्स, 80/100 का 18 इंचेस के यहाँ पे अलॉय व्हील्स पर ये माउंट है। बट यहाँ पे जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम आपको मिलता है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स तो आपको नॉर्मल से यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाता है 5 स्पोक वाला, तो उसके सामने ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेंड्स कम प्रीमियम लगता है। बाकी दोनों में ही आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, और कुछ ऐसा लुक्स यहाँ पे आता है फ्रेंड्स फ्रंट से। अगर हम बात करते हैं दोनों के यहाँ पे टैंक के बारे में, तो टैंक फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग जो है वो मिल जाती है। कंपनी यहाँ पे 3D लोगो के साथ इसे प्रोवाइड कर रही है। न्यू डिज़ाइन के यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिल रहे हैं ब्लू कलर वाले में, यहाँ पे फ्रेंड्स ग्रे और ब्लैक का यूज़ किया गया है। वहीं अगर आप एसपी में देखते हैं तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको न्यू लोगो मिल जाता है 3D में होंडा का, और यहाँ पे नियॉन वाले ग्राफिक्स आपको मिलते हैं। तो ये यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो फाइबर का यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यूज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये पूरा आपको जो पैनल दिख रहा है ये फाइबर का है, और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स मिल जाता है सिंपल सा डिज़ाइन मेटल में पूरा टैंक मिलता है, उसका भी फ्रेंड्स टैंक जो है वो मेटल में है, बट ये जो सामने का पार्ट देख रहे हैं ये आपको यहाँ पे फाइबर बॉडी में देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको सेटअप मिलता है। ये जो इंजन है फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल ही न्यू है, OBD2 E20 अपडेट्स के साथ आ रहा है, सेम यहाँ पे भी आपको मिलता है, और दोनों का ही इंजन यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिल जाता है। दोनों ही बाइक्स जो है वो 60 से 65 के अप्रॉक्स का आपको माइलेज ईजिली ऑफर कर देगी। और अगर आप यहाँ से भी लुक्स देखते हैं तो कुछ ऐसा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलता है, टॉप से सिंगल में सीट्स आपको मिलता है दोनों बाइक्स में। साइन की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे फ्रेंड्स 125 लिखा हुआ है सेंटर वाले पैनल पे, और वहाँ पे आपको एसपी 125 की बैजिंग मिलती है। दोनों ही आ जाती है फ्रेंड्स ईएसपी के साथ, इनहेंस स्मार्ट पावर के साथ, यहाँ पे भी आपको फ्रेंड्स ईएसपी की बैजिंग देखने को मिलेगी नीचे के साइड में। और अगर आप रेयर के सस्पेंशन को देखते हैं तो आपको यहाँ पे सेम मिल जाता है, बस कलर में डिफरेंस है। वहाँ पे आपको मिलता है रेड कलर में, यहाँ आपको मिलता है ब्लैक कलर में, और टायर्स में भी फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ जो रेयर का टायर है वो आपको सेम फ्रंट वाला मिलता है 8018 का, बट यहाँ पे आपको वाइडर टायर्स कंपनी प्रोवाइड करती है। ये फ्रेंड्स आपको 100 सेक्शन का यहाँ पे टायर मिलता है 100/80 का, जो कि यहाँ पे फ्रेंड्स 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स पर माउंट है, और यहाँ पे रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स दोनों में देखने को मिलता है। टेल लाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो टेल लाइट्स है वो आपको मिलता है फ्रेंड्स बल्ब में, इंडिकेटर्स भी कंपनी बल्ब में ऑफर कर रही है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डिजाइन देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर्स दोनों में ही आपको रेयर में देखने को मिलेगा वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और नंबर प्लेट लगाने का स्पेस यहाँ पे कंपनी ने दे रखा है। तो यहाँ पे आपको थोड़े पतले टायर्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे थोड़ा आपको वाइडर टायर्स मिल रहे हैं। एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको सेम मिलता है दोनों बाइक्स में। क्रोम मफलर यहाँ पे लगा हुआ है फ्रेंड्स एग्जॉस्ट के ऊपर, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, और कुछ यहाँ पे ऐसा आपको लुक्स मिलता है राइट हैंड साइड से। तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि यहाँ पे दोनों में से आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको जो मीटर कंसोल है वो मिल जाता है फ्रेंड्स एनालॉग में, यहाँ पे डिजिटल पार्ट आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑडोमीटर मिल जाता है, स्पीड इंडिकेटर यहाँ पे, फ्यूल इंडिकेटर, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिल जाता है बाकी इंडिकेटर्स यहाँ पे, इंजन मालफंक्शन इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर। और अगर आप स्विचेस देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर्स और हॉर्न। वहीं अगर आप इस साइड में देखते हैं तो आपको मिलता है इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट एक साथ में यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, और की यहाँ पे आपको मिलता है सिंपल डिजाइन में, होंडा की बैजिंग है, और टैंक कुछ यहाँ पे ऐसा आपको मिलता है। और अगर आप फ्रेंड्स एसपी 125 में देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आ जाता है डिजिटल में। इको इंडिकेटर आपको मिलता है, और यहाँ पे आपको गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर वगैरह सब देखने को मिल जाएगा, लो फ्यूल इंडिकेटर सेट, यहाँ पे दो बटन आपको मिल जाता है सेट और रिसेट का। और इस साइड में आपको मिलता है यहाँ पे फ्रेंड्स इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट,
यहाँ पे आपको मिल जाता है पास, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स और हॉर्न। तो कुछ ऐसा सेटअप यहाँ पे आपको कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। E20 की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है, और ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है। अगर आप यहाँ से भी इसके डिज़ाइन को देखते हैं तो कुछ ऐसा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिलता है। बाकी इसका मीटर कंसोल जो है वो आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, स्टार्ट करके यहाँ पे आपको टाइम भी शो करता है। तो फीचर्स इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है उसके कंपेरिजन में। उसमें आपको सिंपल सा वहाँ पे डिस्प्ले जो है वो मिल रहा है, और यहाँ पे आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी कुछ सेम है, सेम हैंडल बार आपको मिलता है। और बाकी यहाँ से अगर आप देखते हैं तो कुछ ऐसा लुक्स आता है फ्रेंड्स। 5 स्पीड गियरबॉक्स का आपको सेटअप मिल जाता है। साड़ी गार्ड यहाँ पे लगा हुआ है, लेडीज़ फुटरेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, और दोनों में ही फ्रेंड्स आपको सेम यहाँ पे साड़ी गार्ड लेडीज़ फुटरेस्ट का यूज़ किया गया है। तो कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको मिलता है फ्रेंड्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से। तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको यहाँ पे बेस्ट कौन सी बाइक लगती है। अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपका यूजर्स। अगर आपको फ्रेंड्स लगता है कि आपको फीचर्स की ज़रूरत है जैसे LED लाइट्स वगैरह और डिजिटल मीटर कंसोल वगैरह, तो आप फ्रेंड्स 6-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगाकर आप उसके साथ जा सकते हैं। वरना फ्रेंड्स अगर आपको सेम इंजन चाहिए, यहाँ पे एक मतलब स्पोर्टी कंप्यूटर डिज़ाइन अगर आपको चाहिए कंप्यूटर डिज़ाइन में, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन चाहिए तो फिर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट दोनों ही बाइक्स यहाँ पे माइलेज आपको सेम डिलीवर करेगी, इंजन वगैरह भी ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सिमिलर मिल जाता है। तो मैं होप करता हूँ आप इस सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।